इस कामयाबी दे पीछे राज की ये मैं इन सवालों को यो सा और निकिया निकिया सवालों तो काम शुरू करने है पोला पोला जी। राय साहब थोड़ा नाम माशाल्लाह बड़ा एक अलग और बहुत घट लोगों का ऐं दा नाम होंदा है कोई बड़ा और माशाल्लाह बड़ी थोड़ी शख्सियत नाल ना सूट करता है मैच करता है जिवें थोड़ी शख्सियत है। तुसी ये दसो भी नाम थोड़ा रखिया किस आईए भाई? मेरे अपूरी पांच भाई आ मेरे सब तो अच्छा। बड़े जड़े चाचू आ वो डॉक्टर आ अल्लाह उन्हें जन्नत च उन्हें दा घर करे आमीन। और वो फौजी डॉक्टर आ मिलिट्री चा अच्छा वो सर रूनाल उन्हें दिया पांच बेटियां और अच्छा। तरह जड़े उन्हें तो बाद मेरे चाचू उन्हें दिया भी उसने बेटी ही आ रहे वो अच्छा। मेरे मैं अपने खानदान में पंजा चाचिया चा पहला या दूजा बच्चा ही जेड़ा लड़का होया ठीक है अच्छा। चाचू मेरे जेड़े ने वो बड़े खुश हुए बड़े चाचू रे डॉक्टर आ उन अच्छा। दी आइडियल शख्सियत जेड़ी है वो टीपू सुल्तान आई चोंके आर्मी च आन ते टीपू दी बड़िया कायता ते उदिया जंगा जी जी मेरे फैन आ जी जी खुशी वे चा के मैंने टीपू दा नाम देता मतलब सुल्तान उना नाल ना लाया बच्चों के गास रांझा ते जी जी रांझा लाया गया ते जी भाई उना है मेरा नाम रख्या। और बाद में बड़ा घर वालों का दिल किया मेरे वालिद साहब का दूजिया का चेंज करने की कोशिश भी की थी ना मैंने दो त्रे ना दिते भी ना लेकिन अच्छा। मैं आप भी मुड़ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की तो मैंने लगे आप मैं सूट नहीं करते मैं मतलब दान तेरा हिसाब ता है जड़ी मतलब कड़ी खत्म करने तो फौरन ही बात तुसी टोर के यूरोप है या फिर इत्थे पाकिस्तान कोई तुसा ड्यूटी वगैरह की कोई नौकरी की या फौरन बाहर चले गए? जी भाई जदों मेरी एम एस सी खत्म हुई ना 2006 मैं इंटर्नशिप कर ली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ठीक है बड़ी अच्छी जॉब इस्लामाबाद की थी चांसेस भी बड़े उदे में ठीक आ प्रोटोकॉल में ठीक आई लेकिन फिर मैं एम फिल शुरू कर लिया बस थोड़ा जहा ना और पढ़ी है अजय नहीं हूँ एम एस सी जाते दौर चो ना थोड़ी है क्योंकि मेरा कोर्स वर्क कादिया यूनिवर्सिटी च कंप्लीट आई थी सर लिखन में स्वीडन आ गया यानी कि एक साल मैं जॉब भी की थी जितना मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें मैं एमफिल भी कर रहा हूँ और एमफिल का कोर्स वर्क करते हुए थी सर लिखन में मैं स्वीडन कॉलेज भी गए हो कॉलेज तो बाद फिर थोड़ा यूनिवर्सिटियां का भी चक्कर लगता रहा है इन चक्करों के दौरान कोई और भी चक्कर चलिया है जिथे तुसा किला ठोक छड़िया होवे भी अगली जिंदगी जेड़ी है ओ हुण इस नाल ही गुजरनी है या मतलब के उंज ही कोई चक्कर चलदा रहा होवे? राजा साहब ओ जेड़ा इना खून देने वाला राजा ओ सला गया सी या तेरे चूड़ियां काले आले ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त बड़ा हंसते थे मेरा एक डायलॉग मार दे यूनिवर्सिटी में किस टीपू की गल कर मतलब सिलसिला चलिया मतलब सारे खुश रखे है किसे रेंज नहीं कीता बस हटे बाए होंदे ना मतलब भाई साहब साडी तरफ ना है कोई नहीं किस जे ना है ही कोना यार क्योंकि असी प्यार दी कदर कीती देश नु या के बाद छे लगने आ असी ये गो आख्या तुसी भी अच्छे लगे बिल्कुल लग गए जड़े मेनी पे मैसेज सेंड कर देन भाई राइटिंग मेरीया ओ भाई जी सवेरे उठे आओ मैं वीडियो राती 4:30 12 बजे लिखना सोचना ए मेरे मतलब शुरू चे मैं मतलब ए नहीं पा मैं कोई जे उठ के कैमरा ऑन के वीडियो बना मेरी ये पीछे बड़ी तहकीक है मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं पढ़ता मैं लिखता
लम्मी छाल मारने वास्ते ना बंदा पिछो उधर हट के आउंदा बिलकुल हूं थोड़ी किधर आए हो बा मशहूर आने सारे जनाब एन छाल तुसा मारी है पिछे तैयारी करते रहे हो पिछे हट के आउंदे रहे हो या के डायरेक्ट तुसा मतलब इंजी प्रोग्राम शुरू किया राय साहब बस मैं सही दसा बड़े घट बंदे मेरे मतलब बारे में जानते ने मेरा कोई हल्का बाप कहो भी थोड़ा कोटा मतलब बड़ा मेरी दुनिया से ना बड़ी जान कदरी अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे जानू बेली बड़े तलकात बड़े लेकिन मैं उस कोई मतलब उस प्लेटफॉर्म भी कोना एडा उस हाईलाइट भी कोना किया पर्सनल जिंदगी तक रखिया लेकिन यूरोप में भी मेरे जो जर्मनी के दोस्त कुड़िया छोर ने या मतलब होर मैं जिते जिते रहा या यूनिवर्सिटी मेरे मतलब हर करीबी जानने वाले बंदे दा राय साहब मेरे बारे चाहे भावे या किताब लिखनी चाहिए ठीक है या मैं कुछ वड्डा करना चाहिए था क्योंकि दूजे नोट करते हैं और मैं जिस तरह किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना उनके बारे जिक्र करना एक नेचुरल टैलेंट और मजे की गल दसा मैं 2004 में आज टीवी चैनल से लिखा था लेकिन उस मोबाइल और सोशल मीडिया और इतना ना ही मतलब मेरे जितने भी दोस्त या मां बाण या मेरे पिंड चो मेरे जानने वाले बंदे मैं अपना हर सफरनामा लिख लेना जेडिया मैं चीजा जिंदगी नोट करता लिखनिया पा मेरा दिल पा कभी कोई मेरी एक किताब जेडी है ना सामने आवे ठीक है लेकिन मैं मतलब मौका ना मिलिया मैं चीजा ना तो मैं ट्राई दे बेसिस ते तुसी कर लो मतलब मैं इत्थे एक नाम जरूर लईसा चौधरी नवीद गोंदल जैलदार हेड फकीरिया बैंक मैनेजर नेशनल बैंक मैनेजर मंडी पौदीन ओ अच्छा। मेरे जितने भी मिलते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड है मेरे सीनियर है मैंने एक की गल टी पूरा लिया लिख कोई वीडियो बना कोई कोई कर ओ बैद बंदा ही बची दे हर मणियो ए मतलब जिद दाई मेरे नाल राज साहब मैं ओ राइटिंग्स लिखिया मेरे 26 पॉइंट मंडी जवाब देंदे हो इग्नोर करदे हो या अजे भी जवाब देंदे हो उन्हां नूं कुछ या की तुहाडा कोई रिएक्शन हुंदा है मैं अगर आज नहीं कास्ट बैठा हूँ पर्सनली ना मैं बड़ा इमोशनल मतलब बड़ा जज्बाती और फौरी रिएक्ट करने वाला बंदा और अच्छा। मेरा दिल भी दुखता है खास करके इतने कोई मतलब पर्सनल एक चीज को मेरे काम से मेरी गल से तरकीब करो ठीक है लेकिन तुम अगर मेरी पर्सनल जात से हो थोड़ा हर्ट कर दी हो चीज लेकिन मैं उधर मैं इतने मसाल दें ना वो एक बंदा मशहूर होया छोले वेच के आला होती वीडियो ना ठीक है जी जी ਉਹ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਤਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਬਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਆਖ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾ ਤਨਕੀਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਰੋ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ मेहरबानी कर छो हूं बतेरा हो गया है रस्सी कुटते हो पाए इस गले रस रेह को मुड़ चौथी बारी मुड़ चप बनाई लेकिन नॉर्मली मैं बहुत लाइट लिखना मैं किसी ने अज तक जवाब नहीं दिता ना मैं दिना और ना मैं सोशल मीडिया से उस चीज के काउंटर चो एक वीडियो बनाने दिया क्योंकि मेरा और टारगेट है ना मैं मतलब एक डिप्रेशन anxiety apne family masle masail kuritte hunde magro hi bilkul karo hi to na koi nahi gaadi media ya shaya ke chaddi matlab meri chaddo chhota ja na ek bachcha sada ek talal mera vasaya oh bada ji bilkul aaj mainu vi request bhi aayi hai yaar jehda banda hai kitne chote bachchan te sir kita nahi bilkul bilkul ਇਹ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇ ਬਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ
लेकिन मतलब पर्सनल था वो गाली किलो ये चीजा क्योंकि मतलब मैं अपनी वीडियो गाल नहीं कटी मेंशन नहीं कीता कोई गाल नहीं की थी भी आके नहीं बनता।